प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर्स जीके। आज 15 फरवरी 2019 वार शुक्रवार की हम बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरत कौर बादल कमीशन गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क एट टुंडरुआ विलेज इन भीमा राव मंडल वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिमी गोदावरी जिले आंध्र प्रदेश के भीमावरम मंडल के टुंडरू गांव में गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क की स्थापना की। नेक्स्ट, द लास्ट सेशन ऑफ 16th लोकसभा केम टू एन एंड ऑन 13th फरवरी 2019 गिविंग द डिटेल्स फॉर द टेन्योर ऑफ 16th लोकसभा पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इन्फॉर्म्ड दैट देयर वर ए टोटल नंबर ऑफ 331 सिटिंग फॉर लोकसभा 205 बिल्स वर पास्ड एंड द प्रोडक्टिविटी वाज 85% फॉर राज्यसभा 154 बिल्स वर पास्ड एंड द प्रोडक्टिविटी वाज 68% 16वीं लोकसभा का अंतिम सत्र 13 फरवरी 2019 को समाप्त हुआ। लोकसभा के 16वें सत्र कार्यकाल का विवरण देते हुए संसदीय मामलों के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि लोकसभा में कुल 331 बैठकें हुई, 205 बिल पारित किए गए और 85% की उत्पादकता थी। राज्यसभा के लिए 154 बिल पारित किए गए और उत्पादकता 68% थी। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष श्रीपद येसो नाइक लॉन्चेज द ई औषधि पोर्टल फॉर ऑनलाइन लाइसेंसिंग ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी एंड होम्योपैथी ड्रग्स एंड रिलेटेड मैटर्स एट न्यू दिल्ली। आयुष राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने नई दिल्ली में आयुर्वेद सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी दवाओं और संबंधित मामलों के ऑनलाइन लाइसेंस के लिए ई औषधि पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी शोकेस्ड इट्स आर्टिलरी फायर पावर बाय यूजिंग अल्ट्रा लाइट होविटर्स एंड इंडिजीनियस स्वाति वेपन लोकेटिंग राडर एट द एनुअल एक्सरसाइज टॉपची। द एक्सरसाइज वाज हेल्ड एट ड्योलैली कैंप नियर नासिक। भारतीय सेना ने वार्षिक एक्सरसाइज टॉपची में अल्ट्रा लाइट तोपों और स्वदेशी स्वाति हथियार खोजी रडार का उपयोग करके अपनी तोपों की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास नासिक के पास देवलाली कैंप में आयोजित किया गया था। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द कंट्री फॉर्मली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया ऑफिशियली चेंज इट्स नेम टू द रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया ऑन पेपर एंडिंग ए डिकेड्स लॉन्ग डिस्प्यूट दैट शुड पेव द वे ऑफ नाटो मेंबरशिप। पूर्व में मैसेडोनिया गणराज्य के रूप में जाने जाने वाले देश ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य कर दिया है। एक दशक पुराने विवाद को समाप्त करने वाले इस निर्णय से नाटो की सदस्यता का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। ब्रैडली कूपर हैज बीन अवार्डेड द
ऑस्केट बाय पीपल ऑफ द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा ब्रैडली कपूर को ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, सिद्धार्था लाल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आइसर मोटर्स हैज बीन अवार्डेड द ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फॉर 2018। लाल विल नाउ रिप्रेजेंट इंडिया एट द ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इन मोंटे कार्लो फ्रॉम 6 to 8 June 2019। आयसर मोटर्स के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ लाल को 2018 के लिए ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। लाल अब 6 से 8 जून 2019 तक मोंटे कार्लो में ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट बात की जाती है बुक्स एंड ऑथर्स, पुस्तकें और लेखकों की। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी लॉन्चेज द न्यू बुक ऑफ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम नेम्ड अनडोंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया एट नेहरू मेमोरियल म्यूजियम न्यू दिल्ली। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम नई दिल्ली में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अनडोंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक का अनावरण किया है। आइए बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की। द स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री इन द मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल गेम्स 2022 हैज चोजन द स्माइलिंग क्लाउडेड लियोपार्ड टू बी द मास्कोट ऑफ फॉर द नेशनल गेम्स 2022। राष्ट्रीय खेल 2022 की कार्यकारी समिति की बैठक में खेल और युवा मंत्रालय ने मुस्कुराते हुए क्लाउडेड तेंदुओं को राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए शुभंकर चुना है। आइए बात करते हैं ऑटोरिज निधन की। जर्मन साइंटिस्ट मैनफर्ड आइगन हु जॉइंटली वॉन द 1967 नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री पास्ट अवे एज 91। संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के लिए 1967 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जर्मन वैज्ञानिक मैनफ्रेड आइगेन का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस गोलकीपर गॉर्डन बैंक्स पास अवे एट द एज ऑफ 81 इन इंग्लैंड। गॉर्डन बैंक्स वाज नेम्ड एज फीफा गोलकीपर ऑफ द ईयर 6 times and earned 73 caps for England between 1963 and 1972. दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गोलकीपर में से एक गॉर्डन बैंक्स का इंग्लैंड में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। गॉर्डन बैंक्स को 6 बार फीफा की गोलकीपर के रूप में नामित किया गया था और उन्होंने 1963 से 1972 के बीच इंग्लैंड के लिए 73 कैप अर्जित किए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डालें। यूवी कंपटीशंस और हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और अनअकैडमी व्हाट्सअप और ट्विटर फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।